सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इसलिए मनुष्य के पास का कितनी भी धन हो जाए, कितनी भी दौलत हो जाए, कितना भी ऊंचा पद जो है प्राप्त हो जाए, लेकिन ये सब प्राप्त होने पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसको ऊंचा पद प्राप्त होने पर अभिमान हो जाता है, बहुत सारी दौलत मांग करके अभिमान हो जाता है ना, ताकि वो व्यक्ति जो उसका शीघ्र पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान एक ऐसा कीड़ा है ना जो धीरे धीरे आदमी को खत्म कर देता है। बोले बांगे मेरे लाल की, इसलिए जीवन में विनम्रता का होना बड़ा जरूरी है। और जो व्यक्ति झुकता है ना उसके ऊपर भगवान की भी कृपा रहती है। और झुकता वही है जिसको ज्ञान होता है, जिसके भीतर विनम्रता होती है, जिसमें कोई गुण होता है, क्योंकि झुकते वो है जिनमें कोई गुण होता है। अकड़ करके रहना तो मुर्दों की पहचान है। बोलिए शंकर भगवान की। क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना तो उसका सिर अकड़ जाता है, फिर चाहे कितना जोर लगा ले, हड्डी टूटेगी तभी मुड़ेगा, ऐसे नहीं मुड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए और जो गुणी जन होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा विनम्र रहते हैं, वो झुक करके रहते हैं। क्योंकि एक फलदार वृक्ष होता है ना, आम का फल, आम का वृक्ष, जब उसमें आम लगते हैं तो कितना झुक जाता है वो। और जो सूखा वृक्ष होता है वो कैसे रहता है, अकड़ करके, वो नहीं झुकता है। और जब हवा का झोंका आता है तो जिसमें फल लगे होंगे ना, जो हरा भरा होगा, झुका होगा नीचे की तरफ, वो हवा के झोंके से थोड़ा हिलेगा लेकिन सुरक्षित रहेगा। और जो सूखा पौधा होगा, ताकि जब भयंकर तूफान आएगा ना तो वो तूफान में टूट जाता है। बोले बांग के मेरे लाल की जय। उसी तरह से जो व्यक्ति अकड़ करके रहता है ना, जब उसके जीवन में दुख आता है, प्रभु कृपा से जब उसके जीवन में कोई ऐसा तूफान आता है ना, तो वो उस तूफान को सहन नहीं कर पाता है, अर्थात उस तूफान में तहस नहस हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए बंधु विनम्र रहे, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो है दूसरों से मीठा बोले, दूसरों का सम्मान करें, और काके भगवान की भक्ति कर करके अपने इस जीवन को जो है, इस लोक को जो है, इस लोक में रह करके भी सुखों को प्राप्त करें। और फिर जो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो इस कलयुग में जो है कलयुग को दोषों को मिटाने वाला है। और जो भी इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, ताकि उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बिहारी लाल की जय हो।